चलो सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम लोग चार्ट बनाए, इसमें तो इजी है एकदम। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही है, दैट इज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। क्या है? कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब कंज्यूमर गुड्स तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल क्या बताओगे मेरे को कंज्यूमर गुड्स में बताओ, कौन से बता सकते हो एग्जाम्पल? ऐसे बता सकते हो इजीली कंज्यूमर गुड्स में, तो शैम्पू, देन ब्रेड, बटर, ऐसी सब चीजें नॉर्मल वाली, है ना सब। तो क्या क्या लिखेंगे हम? सोप हो गया, शैम्पू, ब्रेड, बटर, सारे खाने पीने के आइटम्स हो गए, ये हो गया, तो ये सब जनरली आएंगे। ठीक है, वेफर्स, और इसमें क्या दिया हुआ है? घी, ऑयल, ऐसा सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, एक्सेट्रा कर दे रही हूँ मैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज डायरेक्टली अवेलेबल होती है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं डायरेक्टली अवेलेबल टू कस्टमर्स। मींस ये इंडस्ट्रीज में क्या होता है जनरली कंज्यूमर गुड्स में, कि उनका फिनिश्ड हो जाता है, मतलब डायरेक्टली कस्टमर के लिए वो चीज अवेलेबल होती है। सो गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर। ठीक है, सो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग दीज टाइप ऑफ कमोडिटीज आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। और इंटरमीडिएट मतलब अभी भी प्रोडक्शन करना उसके ऊपर बाकी है, राइट? तो यूनिट्स विच हैव सेमी फिनिश प्रोडक्शन, ऐसे यूनिट्स यहाँ पे क्या है? स्टिल प्रोडक्शन, स्टिल प्रोडक्शन इज रिमेनिंग, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोडक्शन, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स, या तो गुड्स विच आर इन वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी तक उसके ऊपर कारीगरी काम करना बाकी है। सो इट मींस दैट द टाइप ऑफ गुड्स विच आर सेमी प्रोसेस इन नेचर एंड स्टिल वन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज रिमेनिंग। आ गया ना? तो जैसे मैंने लिखा स्टिल प्रोडक्शन, मतलब स्टिल स्टेज, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज रिमेनिंग, ऐसा भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल बताया है स्टील की शीट्स हो, या फिर मशीन्स हो, फिर यहाँ वो स्क्रू ड्राइव्स, और मतलब क्या बोलते हैं अपने वो स्क्रूज वगैरह आते हैं ना छोटे छोटे, वो वैसे वाली मशीन्स हो, तो स्क्रूज हो गए, स्टील की शीट्स हो गई, ओके, और मशीन्स, छोटी छोटी मशीन्स हो गई, एक्सेट्रा। और जो कंपनी ये सारी चीजें बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये बस इतना छोटा सा ही है और कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। क्लियर हो गया ये?
Everyone clear?